कक्षा 6 की गणित में हमारी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गई थी और आज हम एक्सरसाइज 1B करेंगे, अभ्यास 1B। तो अभ्यास 1B स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, ये प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें ये विकल्प दिए हुए हैं इनके, तो देखना है कि इन विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है, और यहाँ जो रिक्त स्थान दिया है उसे भरना है उस विकल्प को चुन के। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, पहले प्रश्न में है 4, 5, 6, 7, 8, ये इन्होंने दिया है। और ये दूसरी लाइन जो दी है, इसमें यहाँ पे है 23, 24, 25, और यहाँ का स्थान जो रिक्त है, मतलब जगह नहीं भरी हुई, यहाँ पे अब संख्या भरनी है, तो कैसे भरेंगे संख्या। तो जो पहले इन्होंने जो पूरी लाइन दी हुई है, उसमें हम देखते हैं कि कौन सी विधि लगाई गई है। तो देखिए, यहाँ 4 है, 4 के तुरंत बाद क्या लिख दिया, 5, 5 के तुरंत बाद 6, 6 के तुरंत बाद 7, 7 के तुरंत बाद 8। तो इसी तरीके से यही नियम इसमें भी अप्लाई होगा कि यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ क्या होगा, 26। और 26 के बाद फिर देखिए 27, तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये संख्या। ऐसे ही दूसरा करते हैं, दूसरे में क्या कहा है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। देखिए, पहला जो प्रश्न था, इसमें संख्याएं बढ़ रही थी, लेकिन ये जो दूसरा प्रश्न इन्होंने दिया है, इसमें संख्याएं अगर आप देखें तो घट रही हैं। 9 से एक कम हुआ 8, 8 से एक कम हुआ 7, 7 से एक कम हुआ 6, 6 से एक कम हुआ 5। तो यहाँ पे भी संख्याएं घटते हुए क्रम में ही भरी जाएंगी। तो यहाँ 35 है, यहाँ 34 है, तो यहाँ कितना होगा, 33, क्योंकि 33 के बाद 32, 32 के बाद 31, तो यहाँ हम लिख देंगे 33। तो ये हमारे दो प्रश्न हो गए। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं। एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो देखिए, प्रश्न क्या है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्या होता है, पहले ये जान लें कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। तो देखिए, अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। अनुवर्ती संख्याएं वे संख्याएं जो दी गई संख्या के बाद में आती हैं, अनुवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ववर्ती संख्याएं वे होती हैं जो दी गई संख्या के पहले आती हैं। अर्थात यहाँ हमने संख्याएं लिखी हैं कुछ, 13, 14, 15, ठीक है। तो बाद में आती हैं का मतलब 13 के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, 14, 15, ऐसे ही 16, 17, 18, तो वो सारी संख्याएं क्या हैं, अनुवर्ती संख्याएं हैं। और किसकी हैं, 13 की हैं। अगर 13 की अनुवर्ती पूछी जाए तो 14, 15, 15, 14 की अनुवर्ती पूछी जाए तो 15, ऐसे ही 15 की अनुवर्ती अगर पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी, 16, ठीक है। तो वे संख्याएं जो दी गई संख्या के बाद में आती, अनुवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। उसी तरीके से पूर्ववर्ती संख्याएं वे संख्याएं जो दी गई संख्या के पहले आती हैं। मतलब अगर जैसे 15 दिया हुआ है और पूछा जाए 15 की पूर्ववर्ती बताइए, तो 15 की पूर्व, पूर्व मतलब पहले, कौन सी संख्या आ रही है, 14, तो 15 की पूर्ववर्ती कौन सी हो जाएगी, 14। और 14 की पूर्ववर्ती अगर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 13। ऐसे ही अगर 13 की पूर्ववर्ती पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। तो ये हो गई अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं। अब हम प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न तीसरा है, इसमें पूछा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती मतलब 13 के बाद जो आएगी, तो 13 के बाद कौन सी आएगी, 14। तो ये हो गई अनुवर्ती 13 की। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। तो यहाँ दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है 27 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो 27 की पूर्ववर्ती मतलब 27 के पहले कौन सी आएगी, 26, ठीक है। फिर यहाँ है, कहा गया है गा में 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 6, 6 की अनुवर्ती मतलब 6 के बाद में,
छः के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए छः के बाद आएगी, छः और सात तो नहीं होगी क्योंकि छः के बाद वाली लिखी जाएगी ना, यहाँ तो छः भी दे दिया गया। केवल आठ, केवल आठ तो नहीं होगी क्योंकि आठ से पहले सात भी आता है। छः सात आठ होगी, अगर सात और आठ होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ छः भी दे दिया गया साथ में, तो ये सही नहीं है। अब चौथा कह रहा है केवल सात, तो हाँ केवल सात होगी, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर है अगला प्रश्न हमारा, कह रहा है घा 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले की, तो पहले की संख्या क्या होगी? 15 से पहले कौन सी आएगी? 14 आएगी, तो केवल 14 होगी या 14 और 15 होगी? देखिए यहाँ 15 दे दिया गया और 15 तो यहाँ भी है, तो 15 की पूर्ववर्ती, 15 से पहले की पूछी गई है, पहले ये तो वही संख्या है। फिर यहाँ है 14 और 16, तो 15 तो इसके बीच में आता है, अगर ये दोनों यहाँ 14 और 13 होती तो सही होता, लेकिन यहाँ एक पहले की दे दी एक बाद की दे दी, तो ये तो सही नहीं होगा। क्या केवल 16? केवल 16, 16 तो बाद में आता है 15 के, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? केवल 14। तो ये तीसरा प्रश्न हमारा हो गया। अब है सत्य असत्य, सत्य असत्य हमें करने हैं। देखिए सत्य असत्य कैसे करेंगे, फोर्थ में सत्य असत्य छाटने हैं। तो पहला कहा गया है कि एक सबसे प्राकृतिक छोटी संख्या है, तो देखिए अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं नहीं आती हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं आती हैं, पूर्णांक नहीं पता है, परिमेय नहीं पता है, तो मैंने एक इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया है वन अभ्यास 1A का, उसमें मैंने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया है और पूर्ण संख्याओं के बारे में भी बताया, तो आप उसमें देख लीजिए क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, तो एक तो है ही सबसे छोटी क्योंकि एक से तो शुरू ही होती हैं, तो ये हो गया हमारा क्या? सत्य, ट्रू। फिर है दूसरा, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। देखिए ये होती है संख्या रेखा, संख्या रेखा में क्या करते हैं, बीच में पूर्णांक लिखते हैं, पूर्णांक कितना है? ज़ीरो, ठीक है, और इसके इधर लिख, इधर ज़ीरो के इधर दाहिनी ओर के जितने भी, दाहिनी मतलब दायां हाथ, आपका दायां हाथ किधर है? दायां हाथ आपका इधर है, तो ये हो गया दायां हमारा, ठीक, और बायां किधर है? ये इधर हो गया बायां, ये दायां और ये बायां, ठीक। तो दाहिनी ओर की जितनी संख्याएं हैं वो हमारी प्लस में होती हैं सारी, ठीक है, और ज़ीरो, ये ज़ीरो है यहाँ पे, इससे बाईं ओर, इसके बाईं ओर जितनी संख्याएं होती हैं ये सारी माइनस में होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ लो, आप खुद हो, तो इधर आपका दाहिना हाथ किधर होगा? इधर होगा, और बायां हाथ किधर होगा? इधर होगा, तो दाहिनी ओर की संख्याएं हमारी प्लस में होती हैं और बाईं ओर की संख्याएं हमारी माइनस में होती हैं। और प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो देखिए अब ये अगर बात जीरो की करेंगे तो ये तो पूर्ण संख्या है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है, तो ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है, और बात क्या की गई है? बात कही गई है इसमें प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या ज़ीरो तो है नहीं, तो यहाँ से प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू हुई? वन से शुरू हुई प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं के दाहिनी ओर, दाहिनी ओर मतलब जिधर आपका दायां हाथ है, तो ये दाहिनी ओर हो गया, अगर बाईं ओर की बात होती तो इधर की बात होती। दाहिनी ओर की सभी संख्याएं, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, तो देखिए वन, अगर वन को देखेंगे तो वन के आगे दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं क्या उससे छोटी हैं? नहीं, बढ़ती जा रही हैं। ऐसी कोई भी संख्या अगर ले लें, कोई भी संख्या ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, पाँच ले लो, लेकिन उसके दाहिनी ओर की संख्या देखनी है, तो दाहिनी ओर की जितनी भी संख्याएँ हैं वो प्लस में दी हुई, तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में तो है नहीं, तो बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, 102, 103, 104 हैं। तो देखिए क्रमागत संख्याएं किन्हें कहते हैं?
देखिए क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्रम से आती हैं, एक के बाद एक क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए 101 के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, 102, 103, 104, तो क्रम से आ रही हैं, तो क्रम से आ रही हैं तो क्रमागत संख्या होंगी, तो इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। फिर है 23, एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ एक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, एक से शुरू होती हैं, ठीक है। अब एक से शुरू हुई तो आगे कितनी भी जितनी अनंत तक संख्याएं हैं सारी क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ट्रू। फिर है फिफ्थ, फिफ्थ कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ये भी सच है। क्यों, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। अनंत का मतलब अगर आप गिनतियां लिखना लिखने के लिए बैठेंगे ना तो उनका कोई अंत ही नहीं है, बढ़ती ही चली जाएंगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, कोई सबसे बड़ी नहीं होती क्योंकि बहुत सारी संख्याएं होती हैं इसमें। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। अब आगे का सवाल देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 9999 मतलब 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, और सिक्स कह रहा है कि 100001 मतलब कि इसमें कह रहा है 101 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अनुवर्ती ज्ञात करनी है, इसमें पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है। तो देखिए अनुवर्ती पूर्ववर्ती अगर इस तरीके से आ जाए इतने बड़े फॉर्म में तो कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए वैसे तो अनुवर्ती का मतलब होता है एक संख्या आगे की, जो संख्या हमारी दी गई है उसके बाद में आती है जो संख्या, वो संख्या हमारी अनुवर्ती हो जाती है। और पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या हमारी दी हुई है उसके पहले जो संख्या है वो पूर्ववर्ती हो जाएगी एक पहले की। लेकिन ये चीज़ हम तब तक सीख सकते हैं, तब तक लिख सकते हैं जब तक संख्या छोटी रहती है। लेकिन जब संख्या बहुत बड़ी हो जाए और कन्फ्यूज़न हो जाए कि एक आगे की और एक पीछे की क्या होगी, तब क्या करते हैं। देखिए ऐसे में हम सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे कि अनुवर्ती का मतलब याद रखेंगे +1 और पूर्ववर्ती का मतलब -1। जैसे कि अगर पूछा जाए कि 3 की अनुवर्ती क्या है तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और अगर पूर्ववर्ती पूछी जाए कि अगर इसी 3 की कहा जाए कि पूर्ववर्ती क्या है तो क्या कर देंगे, -1, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2। तो पूर्ववर्ती हो गई 2 और अनुवर्ती हो गई 3 की 4। ऐसे ही जब बड़ी संख्याएं दी जाएंगी तो बड़ी संख्याओं में क्या है, इसमें कहा गया है फिफ्थ क्वेश्चन में कि इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती में हम क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे। लेकिन प्लस और माइनस का एक नियम कि इधर से सॉल्व करते हैं, जो भी जोड़ेंगे घटाएंगे वो इधर से लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 9 1 10 का 0 हासिल 1, फिर 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारा, 10,000। अब है सिक्स, सिक्स में क्या है कि कहा गया है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या का मतलब हमने क्या बताया, -1, तो यहाँ का क्या कर देंगे हम, -1। पूर्ववर्ती में माइनस, पूर्व माइनस अनु प्लस, तो यहाँ 0 फिर 0 0 0 0 1, तो ये कितना हो गया, 1,00,000, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो संख्या रेखा खींच के 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करनी, ये हो गई हमारी संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर 9 तक की संख्याएं कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करने को बोला है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 0। पर यह प्राकृतिक नहीं है, यहाँ से गिनेंगे नहीं, अब यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक बोला है तो 9 तक ही करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई हमारी 9 तक की संख्याएं प्रदर्शित, ठीक है। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब इसमें अगर ये कहा जाता कि ऋणात्मक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए, तो ऋणात्मक संख्याएं क्या करते, इस 0 के बाद यहाँ से लिखते इस तरीके से। पर ऋणात्मक के बारे में तो बोला नहीं गया है, तो
कहा क्या गया है, केवल किन्नौर तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो केवल हम धनात्मक संख्याएं इधर से इधर प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि धनात्मक संख्याओं के बारे में बोला नहीं जाता, ऑलरेडी वो धनात्मक होती ही हैं। तो देखिए गिने लेकिन यहीं से जाएंगे कि एक से लेकर नौ तक, अगर जीरो को आप मिला लेंगे तो ये प्राकृतिक नहीं रहेगी, ये पूर्ण हो जाएगी। प्राकृतिक संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, और पूर्ण संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चार अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। चार अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले ये बताइए एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। एक अंक की सबसे छोटी होती है एक, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, पिछले वीडियोस में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब लिखना कितने की है, चार अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो देखिए एक लिखा और इसके आगे कितने जीरो लगा देंगे हम, तीन जीरो, तो ये क्या हो गई हमारी, चार अंक की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब बताए थे आपको माइनस वन, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस वन। अब घटाइए, यहाँ कितना आएगा, नौ नौ ये नौ, ये आ जाएगा हमारा 999। ये हो गया हमारा एट्थ क्वेश्चन। अब लगाते हैं नाइन्थ वाला। नाइन्थ कह रहा है कि छः अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक अंक की छोटी से छोटी संख्या बताई है हमने, एक होती है, और अगर एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताएंगे तो होती है नौ, ठीक है, क्योंकि शुरुआत होती है संख्याओं की एक से, तो ये सबसे छोटी हो गई। और जब एक अंक जहाँ तक रहता है वो होता है नौ, क्योंकि नौ के बाद हो जाता है दस, और वहाँ से शुरू हो जाती हैं दो संख्याएँ, तो सबसे छोटी एक अंक की एक और सबसे बड़ी एक अंक की नौ, ये याद रखिए। तो इस तरीके से कहा गया है कि छः अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो छः अंक की क्या होगी, देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, सबसे बड़ी एक अंक की बताइए, सबसे बड़ी एक अंक की हो गई नौ, इसी नौ को छः बार लिख दियो, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हो गई हमारी छः अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब आगे का प्रश्न कह रहा है, लिख कर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब माइनस वन, और अनुवर्ती का मतलब बताया हमने क्या, प्लस वन, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस वन। अब जोड़ दीजिए, नौ एक दस का ज़ीरो हासिल एक, 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 दस का ज़ीरो, दस का पूरा दस, नौ एक दस, तो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हो गया हमारा एक करोड़। तो ये हो गई हमारी 1B एक्सरसाइज कंप्लीट।